से कोई सचिव आए या कोई जनरल सेक्रेटरी आए हमारे फरुखाबाद में और ये कहें कि सलमान खुर्शीद कौन है, लुईस खुर्शीद कौन है, तो हमें तो आपत्ति है। हमने मैंने कहा, मैंने इनको कहा हमारे वर्कर को, अगली बार अगर ये कोई सचिव ये कहे तो पहले प्रेस को बुलाइए और प्रेस के सामने अपना चप्पल उतार के मारे सारे। उस वक्त का एक सचिव बैठे थे, अभी हमारे बारे में तो नहीं मगर यूपी के एक दिल्ली के एक सचिव आए थे और ये कहा फरुखाबाद में। मैंने कहा हम लोग जूझ रहे मैदान में और आप आके टिप्पणी करते हैं ऐसे। एटा में 5,000 वोट लिया लोकसभा में, मैनपुरी से 10,000 वोट लिया, कन्नौज में 7,000 वोट लिया, इस फरुखाबाद में कांग्रेस पार्टी को 1,75,000 वोट दिया। इक्यानवे में कांग्रेस पार्टी कुल 5 सीट जीते यूपी में 80 में से। उस वक्त तो उजाला था, 83 था मेरे ख्याल, उसमें से राजीव गांधी 1,00,000 के ऊपर से जीते थे। बाकी 3 प्रत्याशी शीला कौर, रामलाल राही, कल्पनाथ राय 5,000 के नीचे से जीते थे और सलमान खुर्शीद 27,500 से जीते। क्षेत्र नहीं है। अरे भाई, हम लोग सब परिवार के हैं। मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ। एक बार प्रियंका गांधी ने हम लोग को सेकंड लेवल के नेता है, जैसे हम है, समान साहब तो ऊपर का है, हम लोग नीचे वाले हैं, हम लोगों को बुलाया और पूछा भी आपके क्षेत्र में क्या हो रहे हैं। तो हमने कहा बहन जी में कुछ करेंगे और बात करेंगे, आप बुरा ना मानिए। बताइए कहा, यही बता दिया, यही कनेक्ट 5,000 10,000 7,000। और मैंने कहा बताइए, जब बाहर से कोई सचिव आए या कोई जनरल सेक्रेटरी आए हमारे फरुखाबाद में और ये कहें कि सलमान खुर्शीद कौन है, लुईस खुर्शीद कौन है, तो हमें तो आपत्ति है। हमने मैंने कहा, मैंने इनको कहा हमारे वर्कर को, अगली बार अगर ये कोई सचिव ये कहे तो पहले प्रेस को बुलाइए और प्रेस के सामने अपना चप्पल उतार के मारे सारे। उस वक्त का एक सचिव बैठे थे, अभी हमारे बारे में तो नहीं मगर यूपी के एक दिल्ली के एक सचिव आए थे और ये कहा फरुखाबाद में। मैंने कहा हम लोग जूझ रहे मैदान में और आप आके टिप्पणी करते हैं ऐसे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये हमने सीखा किससे, संजय गांधी के पास एक आदमी गए और कहने लगे साहब ये फला साहब जो है आपके खिलाफ हुआ किया, संजय गांधी ने उसको थप्पड़ मारा, उसने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। संजय गांधी की यही बात है, जब कोई मेरे मुखालफत कर रहे थे तो आप चुप बैठे थे, अगली बार आप वार कर दो उसी के ऊपर, तभी तो हम आपसे आप गाड़ी बजाएंगे आपके साथ।